अयोध्या जनपद के श्रीविधान स्थित सर्किट हाउस में सपा विधान परिषद सदस्य जिला कुशवाहा ने 13 सड़कों एवं 4 टीन शेड का शिलान्यास किया। इसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। लीलावती कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जनता झूठ बोलने वालों का सफाया करेगी और महागठबंधन के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में परचम लहराएंगे। देश प्रदेश की जनता नया प्रधानमंत्री चाहती है। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वह पूरा करने के लिए ही महागठबंधन तैयार हुआ है। शिलान्यास कार्यक्रम में डॉक्टर राम प्रताप यादव, विनोद कनौजिया, जुनेद अंसारी, सुशील मौर्य, समाजवादी जिलाध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव, सुजीत वर्मा, नौशाद पार्षद जाकिर हुसैन पासा, देवेंद्र सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। 13 सड़कें और 4 टीन सेट श्मशान घाट भरतपुर, जमथरा, अयोध्या और ढिमुआ में 4 सेट टीन सेट दिया है और 13 सड़कें दिया है 13 गांव के लिए। इसमें सब जनता की मांग थी और जिस जो जो जहां जहां मांगा वहां वहां मैंने उनकी मांग के अनुसार पूरा किया, सड़क दिया जनहित में। क्या सर्किट हाउस में है ना, क्या संदेश देना चाहती है? अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे MLC बनाया और जनता के लिए, जनता के आदेशों पर मैं खरा उतरूं, यही मेरे को विश्वास है। और नेता को धन्यवाद है कि पुनः मुझे लोकसभा फैजाबाद का मौका मिले तो पूरा फैजाबाद, कहीं भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, सब पक्की करा दूंगी। भाजपा युवा मोर्चा की विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन की हुई तैयारी बैठक। आगामी 24 मार्च को होने वाली विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की एक बैठक जिला अध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में किया गया। मोर्चा के मीडिया प्रभारी जनमेजय सिंह बाबा ने बताया कि बैठक में मुख्य अतिथि मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आयुषी श्रीमाली तथा क्षेत्रीय मंत्री लोकेश सिंह रहे। उपाध्यक्ष ने बताया कि आगामी 2019 को मद्देनजर देखते हुए युवा मोर्चा द्वारा विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन कार्यक्रम जो अयोध्या के बीकापुर ग्राम सभा में होना तय किया गया है, जिसमें युवा मोर्चा के 5 से 7 हजार की संख्या में उपस्थित होंगे। सम्मेलन में 13 मंडलों के अलग अलग मंडल अध्यक्ष को 300 की संख्या का लक्ष्य दिया गया है तथा जिले में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल, संजीव सिंह, शिवम सिंह, दीपक पाठक, भरत श्रीवास्तव, जनमेजय सिंह बाबा, सुनील सिंह, पवन चौरसिया, आशीष सिंह के साथ दर्जनों नेता शामिल रहे। जिला कार्यालय पे आज युवा मोर्चा की बैठक है जिसमें हमारे क्षेत्रीय मंत्री लोकेंद्र जी आए हैं और ये बैठक जो है आगामी 24 तारीख को हमारे यहाँ युवा मोर्चा के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम है जो युवा विजय लक्ष्य है 2019 का। हमारे पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय सुमन बंसल जी ने तय किया है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष युवा मोर्चा के आदरणीय सुभाष रिजवन जी ने तय किया है। जो कार्यक्रम ऊपर से तय होकर आते हैं उस हम युवाओं में ऊर्जा बढ़ते हैं और पार्टी के लिए काम करने की क्षमता और ऊर्जा ताकत पूरी दिखा के अपने जिले के कार्यक्रम को, जिले में कार्यक्रम मिलता है उसको हम सफल बनाने में कटिबद्ध होते हैं और लगातार पार्टी के लिए युवाओं को जोड़ते रहते हैं। युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता हुआ जा रहा है और 2019 में आने वाले समय में आप देखेंगे 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से दोबारा मोदी की सरकार बनने वाली है। आप मीडिया भरी हैं और किस तरह का जो है संदेश पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे जनता तक? युवाओं का जो संदेश है ये पूरे देश में आप देख रहे हैं, युवा मोदी के साथ जुड़ रहा है और अभी 14 तारीख को जो पुलवामा वाली घटना हुई थी उस घटना का जो बदला ही मोदी जी ने लिया है, 12 दिन के अंदर जो घटना का बदला ले लिया है उससे जो है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में मोदीमय, संपूर्ण भारत मोदीमय हो गया है। और इसमें निसंकोच आप ये देख रहे होंगे, पत्रकार बंधु हैं जहाँ आप भी उपस्थित रहते हैं आप देख रहे होंगे कि पुनः मोदी की सरकार बनने के लिए एकदम तय है, युवा उनके साथ हमेशा लगातार बना रहेगा क्योंकि मोदी ही सशक्त नेतृत्व कर सकता है इस भारत का। युवा रथ सम्मेलन से आप क्या किस तरह का संदेश फैजाबाद की जनता को देंगे? फैजाबाद के युवाओं को ये संदेश देंगे कि बूथ स्तर तक युवा हमारे युवा मोर्चा से जुड़े और हमारा बूथ मजबूत हो और हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी पार्टी विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। इस कार्यक्रम के ही एक क्रम में विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन मंत्री जी सुनील बंसल जी और सभी पार्टी के अध्यक्ष के आदेश से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में चलाया है। उसकी एक लोकसभा की समीक्षा बैठक है, मैं लोकसभा के प्रभारी के रूप में यहाँ आया हूँ आज अयोध्या और हम लोग उसकी बैठक कर रहे हैं, तैयारी बैठक कर रहे हैं जो कार्यक्रम हमारा 24 तारीख के लिए प्रस्तावित है उसी के हम लोग संगठन की बैठक लेना है, अत्यधिक कुछ नहीं है।
संगठन के लोग हैं, सब आपस में भाई हैं, सबसे वार्ता करेंगे कैसे कार्य करना है, कैसे मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, किसी और पार्टी के क्रमबद्ध तरीके से कार्य करना है और कार्य करके उसको सुनियोजित तरीके से बूथ तक सेक्टर तक जैसा हम लोगों की पद्धति है, जैसे हमारी प्रणाली है, जो हमारी ताकत है वास्तविकता में कि हम पन्ना प्रमुख से लेकर के और बूथ सेबल लेवल से लेकर के तब क्षेत्र में और प्रदेश में जाते हैं और जाकर अपनी पार्टी को एक बट वृक्ष की तरह इस तरह खड़ा करते हैं ताकि हमारी पार्टी हवा हवाई विभिन्न पार्टियों की तरह ऊपर तैराती हुई पार्टी ना दिखे। हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक का पार्टी में वही सम्मान है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। बस किस तरह का जो है लक्ष्य बनाया आपने? नहीं, हम युवाओं में हमारा जैसे अभी एक कार्यक्रम था वन बूथ टेन यूथ, हर बूथ पर हमको 10 युवा इकट्ठे करने थे और उनको एक्टिव करके लाना था, उन सबकी सूचियाँ लेना, उन सबको क्रमबद्ध तरीके से काम करना, कैसे हम पार्टी के लिए काम करेंगे, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी है क्या, ऐसा जो आने वाले वोटर्स हैं, आने वाले यूथ है, उसको समझाना कि वास्तविकता में आज लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश को परम वैभव पर ले जाने का काम कर सकती है, इसके बारे में सही से बताना और वो समाज में जनता में आगे नवयुवक जो हैं उनमें आकर के प्रचार प्रसार करें कि आपके पास अगर अल्टरनेट कोई है, कोई ऐसी पार्टी है जो वास्तविकता में देश को परम वैभव पर ले जा सकती है, वो मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है। इस योजना में हम सभी युवा इकट्ठे होकर ये इस जो अभियान है जिसके लिए हम लोग बैठक करने आए हैं, उस अभियान का नाम ही है विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन, उसकी हम तैयारी बैठक कर रहे हैं। 24 तारीख के लिए यहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है, हम सब आपस में वार्ता करेंगे कैसे बूथ बूथ तक जाकर के हमको विधानसभा में बैठक करनी है, करके हमको कैसे काम करना है, किसके आपस में डिस्कस करेंगे, कुछ नया होगा, कुछ और सुझाव होंगे हमारे युवा साथियों को, तो उसमें उनमें उनको सम्मिलित करेंगे। क्या नाम आपका? मैं लोकेश सिंह, क्षेत्रीय मंत्री हूँ मैं युवा। अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिगुनिया पार्क में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी तमाम समस्याओं के संदर्भ में जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस धरने में मुख्य रूप से मौजी राम निषाद, बसंत लाल निषाद, मंटू निषाद, जयश्राम निषाद, सदानंद, पंकज कुमार निषाद के साथ तमाम महिलाएं भी शामिल रही। सर, मुद्दा हमारा यह है कि जो हमारा भारत के संविधान में मझवार के नाम से अंकित है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, और उसे आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी शासनादेश जारी कर दिया है 11 फरवरी को, लेकिन ये भाजपा की सरकार जो है, गूंगी बहरी सरकार जो है, आज हम लोगों के जो है आरक्षण लागू नहीं कर रही है। गोरखपुर में एक बहुत बड़ी रैली की गई, उसमें जो है बताया गया कि जो है शासन को जो शासनादेश जारी लागू है उसको जारी करा दीजिए, और जो है माननीय इंजीनियर प्रवीण कुमार सांसद जी ने जो है वहां पर अधिकारियों को भी बुलाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी वहां पर रैली में बोले कि यहां पे आकर के ज्ञापन ले लीजिए, लेकिन वहां पर कोई अधिकारी जो है आया नहीं, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे मच्छेन्द्रनाथ के मठ पर, तो यही जो है उनकी सरकार ने हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर उन्होंने यानी कि आंसू के गैस छोड़े और पानी के जो है फुब्बारे छोड़े, और बर्बरता पूर्वक वो लोगों ने लाठियों से जो है हमारे लोगों को प्रताड़ित किए, और इतना ही ज्यादा नहीं कि जो है जो महिलाओं को जो है पुरुष यानी महिला के पुरुष के द्वारा जो है दंड देना चाहिए, उसे उनके द्वारा नहीं बल्कि पुरुष के पुलिस द्वारा जो है उनको प्रताड़ित किया गया, और जो है ये बहुत जो है निंदनीय है, क्योंकि जो है क्या मांगे हैं आपकी, जो अब आरक्षण की मांगे हैं, वो आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि आरक्षण से हमको जो है स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार प्राप्त होगा, क्योंकि जो है आज तक आप देख लीजिए कि जो आरक्षण का मुद्दा है वही जो है हमारे संविधान में लिखा गया है, लेकिन वो जो है उसको लागू नहीं कर रहे हैं, और जिसका संविधान में नहीं लिखा गया है वो जो है 24 घंटे के अंदर मोदी जी ने उनको जो है 10% का आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन आज हम लोगों का जो भारत देश जब से स्वतंत्र है तब से जो है हमारा आरक्षण उस पर संविधान में लिखा गया है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है हमारा आरक्षण लागू नहीं कर रही है, क्योंकि योगी जी ने गोरखपुर में जो है खुद बोले थे
8 जून जो है सन 2015 को कि जो है निषादों का ये हक अधिकार है आरक्षण इनको मिलना चाहिए और मिल होना चाहिए। तो हमारे समाज के लोगों ने आ गया है, आचार संहिता में आ रहा है, और किस पार्टी को आप लोग वोटिंग करेंगे क्या है बताएं? और जो ये 2019 में चुनाव आया है और हम लोगों ने हमारा जो हक हिस्सा देगा हम उसी पार्टी के तरफ रहेंगे, और जो महागठबंधन है हम उस महागठबंधन में निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ये जो है महागठबंधन है। और जो ये भाजपा हम लोगों को जो है यानी कर कही थी, जो है योगी जी ने कहा था कि हम आपका हक और अधिकार दे देंगे, उनका केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन जो है आज योगी जी सरकार हम लोगों को जो है हमारे हक अधिकार को देने के लिए उनका मुंह पीछे चला जा रहा है, वो जो है देने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग, हमारे समाज के लोग, हमारा महागठबंधन उनको 2000 में उत्तर देगा, क्योंकि जो है जो वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे चाबी लिए हुए हैं, वो चाबी दिल्ली में नहीं बल्कि वो चाबी गांव की जनता के पास है। जब वो चाबी फिर से मांगने आएंगे, वो जो हक और अधिकार, मान और सम्मान, स्वाभिमान जो है जिससे मिलता है हमारे समाज का, पूरे देश के गरीब जनता का। क्या नाम है आपका?